हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज पुशअप फास्ट विद इन वन वीक। अगर आप लोग एक हफ्ते के अंदर पुशअप की रेपिटेशन रेंज बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाएंगे, आज की इस वीडियो के अंदर आपको फुली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दो ही तरीकों से पुशअप की रेपिटेशन रेंज बढ़ाई जा सकती है। कौन से वो दो ऐसे तरीके? सबसे पहला तरीका, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना होना चाहिए। वो भी कैसे आएगा ये भी इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखो गाइस, अगर आपको पुशअप की रेपिटेशन रेंज बढ़ानी है, पुशअप इंक्रीज करने हैं विद इन वन वीक के अंदर, तो सबसे पहली टेक्निक है आप लोगों को डेली लेने हैं 3 सेट। स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है वो बाद में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली पुशअप करने हैं, ठीक है। और हर एक सेट के अंदर आपको डेली 1 से 2 पुशअप बढ़ाते रहना है। तो ये तरीका आपको सबसे पहले फॉलो करना है। अब यहां पे बात करते हैं गाइस, अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होगी तो ही आप लोग अपनी पुशअप की रेपिटेशन रेंज बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी के ऊपर आपके मसल को आपको रेसिस्टेंस देना पड़ेगा। रेसिस्टेंस मतलब कि अपनी बॉडी पे वेट डाल के उसको करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे पास एक 5 kg प्लेट है, तो आप लोग कुछ भी ऐसा जुगाड़ ले लें, अपनी पीठ पे रख लें और आपको डेली पुशअप परफॉर्म करने हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये है सिंपल सी पोजीशन। बहुत सारे लोग गलत पोजीशन भी बनाते हैं, तो ये रहेगी पोजीशन। तो ऐसे आपको करना है और बिल्कुल स्लोली फॉर्म के अंदर एक होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड, देन अप। इस तरीके से आप लोगों को पुशअप परफॉर्म करने हैं। तो ये है भाई स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका। सेट आपको लेने हैं कम से कम 3, ठीक है। और हर एक दिन के बाद आपको 1 से 2 रेपिटेशन रेंज अपने पुशअप के अंदर ऐड करते जाना है। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहली टेक्निक फॉलो करके अपनी स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हैं। तो यह है तरीका भाई स्ट्रेंथ गेन करने का। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, स्टेमिना आपको कैसे गेन करना है। स्टेमिना गेन कर पाएंगे अगर आप लोग डेली पुशअप परफॉर्म करेंगे तो। और दूसरा तरीका यह है कि आपको जो पुशअप है वो फास्ट लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, लगाने फुली है, ठीक है, हाफ पुशअप नहीं लगाने, फुल पुशअप लगाने हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, रुकना नहीं है ऐसे, 1 2 3 4 5। जैसे मान लो आप लोगों ने 10 से 12 पुशअप लगाए ऐसे ही, देन उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर रेस्ट करनी है एंड आपकी पोजीशन ऐसे ही रहेगी इस तरीके से। बस आपको ऐसे होल्ड करके रखना है, देन उसके बाद क्या करना है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए फिर से आपको कम से कम 4 से 5 पुशअप निकालने की कोशिश करनी है ऐसे, 1 2 3 ऐसे रुक जाएं, देन उसके बाद फिर से रेस्ट करें। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश करें कि गाइस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप इंक्रीज कर सकें, उसके रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएंगे। विद इन वन वीक के अंदर आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और पुशअप करने की जो रेपिटेशन रेंज है वो भी बढ़ जाएगी। तो गाइस आपको बस यही एक आसान सा तरीका टेक्निक फॉलो करनी है। 3 तरीकों के साथ आप लोग घर पर आसानी से पुशअप की रेपिटेशन रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। बट हाँ गाइस, कम से कम 10 पुशअप आपके लगने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आप लोग लगा पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इस तरीके को फॉलो करके। अगर इससे कम लगते हैं तो यार मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट, आपको डाइट थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो ही आप लोग स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे। स्ट्रेंथ गेन होगी तो भाई स्टेमिना बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा तो रेपिटेशन रेंज आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस यही थी आज की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट, अगर चैनल पर है तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ गाइस, अपना दूसरा चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। 83 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस, वहां पे भी फिटनेस की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवा दो। एंड अपना दूसरा चैनल भी है व्लॉगिंग का, अगर आप लोग थोड़ा फंक्शन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं गाइस फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।